हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुस्तक के प्रोसेस और मैं हूं पुस्तक। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में जो कि निकाली गई है साउथ ईस्टर्न रेलवे वैकेंसी 2018 के तरफ से। तो ये जो वैकेंसी भरी जाएगी, ये कुल वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए भरी जाएगी जो कि अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट 2018 वैकेंसी है। तो इसमें जो कुल पद है वो 1785 रेलवे अप्रेंटिस पदों पर भर्ती होगी। तो जी हाँ फ्रेंड, 1785 सीटें रेलवे अप्रेंटिस के लिए इसमें भरी जाएगी। तो बात कर ले इसकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो इसमें है वो 22 नवंबर 2018 तक है। तो आप 22 नवंबर तक का वेट ना करें, इससे पहले पहले इस फॉर्म के अप्लाई करना शुरू कर दें। तो मैं बता दूँ आपको कि ये जो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ये 22 अक्टूबर 2018 से इसका लिंक खुल जाएगा। तो 22 अक्टूबर 2018 से आप इस फॉर्म के अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन बेस की, तो सिलेक्शन बेस मेरिट बेस्ड रखा गया है, तो यानी मेरिट बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल की, एप्लीकेशन अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल की। तो यहाँ पे खड़गपुर में 896 पोस्ट खाली है जो कि वर्कशॉप इलेक्ट्रिक सिग्नल में इस समय भरी जाएगी। इसी तरह से सभी जगह में इसी तरह से भरी जाएगी। बात कर ले संतरागाछी की, तो संतरागाछी में 36 पोस्ट अवेलेबल है। बात कर ले TPKR की, तो यहाँ पे 40 पोस्ट खाली है, जबकि टाटा में 72 पोस्ट खाली रखी गई है जो कि टाटा जमशेदपुर यानी झारखंड में है। बात कर ले चक्रधरपुर की, जो इसमें कि 188 प्लस 26 पोस्ट खाली है, जबकि सीनी वर्कशॉप में 107 पोस्ट खाली है। बात कर ले रांची की, तो रांची में 80 पोस्ट खाली है। बात करें बोंडा पुंडा की, तो यहाँ पे 102 सीट अवेलेबल है। बात करें ADRA की, तो यहाँ पे 84 पोस्ट खाली है, जबकि झारसुगुड़ा में 25 पोस्ट खाली रखी गई है। तो यहाँ पे BKSC की बात कर ले, जो इसमें कि 64 सीट अवेलेबल है, तो आप यहाँ किन्हीं में से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल की ये सारी जानकारी है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की, तो मैंने पहले आपको बताया 22 अक्टूबर 2018 से आप इस फॉर्म का अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और इसमें बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रखा गया वो जनरल OBC के लिए 100 रुपये है, जबकि अदर कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं, यानी SC ST या PH PWD कैंडिडेट किसी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। बात कर ले क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन इसमें 10th पास रखा गया जो कि 50% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए, और साथ में आपके ITI सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए जो कि NCVT प्रूफ्ड हो। बात कर ले इसमें एज फैक्टर की, तो इसमें जो एज फैक्टर है वो 15 से 24 वर्ष है, जो कि 1/1/2018 को फुलफिल होना चाहिए। तो अमूमन 15 वर्ष में 10th पास हो जाता है, तो इसीलिए 15 से 24 वर्ष ये रखा गया है एज। तो बात कर ले अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना बड़ा ही आसान है दोस्तों। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो यहाँ पर जाएं और सिंपली इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 22 अक्टूबर से अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। बात कर ले इसकी लास्ट डेट की, जो मैंने पहले ही बताया 22 नवंबर 2018 इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले पहले इस फॉर्म को भर ले दोस्तों। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। तो फ्रेंड, आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, ऐसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। इससे क्या होगा, आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।